विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 29 जुलाई को 2024 के केंद्रीय बजट को लेकर एनडीए के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर हमला बोला था, जिस दौरान उन्होंने चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी पर तीखा तंज कसने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब एक बार फिर उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से ये दावा किया गया कि ईडी उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद छापा मारने की बारात को हरा ही नहीं सकता। हालांकि राहुल ने इसके साथ ही निडर होने का संदेश देते हुए ये भी लिखा कि वो बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इससे पहले संसद में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस के दौरान क्या कुछ हुआ सुनिए। इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर, तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो, चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। वहीं संजय राउत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ भी हो सकता है, उन पर हमले भी हो सकती हैं। शिवसेना यूबीटी नेता का कहना है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई, और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।